हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट पिज्ज़ा बनाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग डो तैयार करते हैं। उसके लिए हम लोग गर्म पानी लेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें ईस्ट डाल देंगे, शुगर, बटर। ये आपको एक दिन पहले इसका प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। गार्लिक पाउडर, आप गार्लिक पाउडर की जगह पे क्रश्ड गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश गार्लिक को पील करके उसको क्रश कर लें, फिर इसमें मिक्स करें। मिल्क पाउडर, सॉल्ट, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज करेंगे क्योंकि बटर में ऑलरेडी सॉल्ट है। और मैदा। अब इसे हम लोग 15 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो तैयार है। अब इसे हम लोग 1 से 1.5 घंटे तक बाहर में छोड़ देंगे ढक करके, फिर इसे हम लोग फ्रिज में स्टोर करेंगे और अगले दिन यूज़ करेंगे। पिज्ज़ा के ऊपर हम लोग पनीर का भी यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग पहले पनीर को सॉटे कर लेते हैं। पहले हम लोग पैन में बटर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी पनीर पिज्ज़ा के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि पनीर में एक स्पेशल फ्लेवर आएगा जो कि पिज़्ज़ा को और टेस्टी कर देगा। अब इसमें हम लोग गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ओरिगेनो, शेज़वान सॉस, हल्दी, थोड़ी सी नमक, रेडी है। चलिए पिज्जा के बेस बनाते हैं। पिज्जा का बेस को फैला लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मकई का आटा, जिस पैन में आपको बेक करना है डायरेक्ट हम लोग उसी में पिज्जा के डो को
यूं ही डालेंगे और उसको हाथ से फैलाते फैलाते इसको बड़ा करेंगे। अच्छे से पिज़्ज़ा बेस फैल गया है, अब इस पर हम लोग पिज़्ज़ा टॉपिंग डाल देंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग अच्छे से लगने के बाद इसे साइड कर लेते हैं। बाकी चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या चाहिए हम लोगों को। मोज़रेला चीज़ इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ओरिगैनो, टोमेटो, कैप्सिकम, अनियन और पनीर जो हम लोगों ने तैयार किए थे, ऑलिव ऑयल। चलिए अब हम लोग पिज़्ज़ा डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले चीज़ स्प्रेड करेंगे। ऑलिव ऑयल, कैप्सिकम, इसी तरह से हम लोग पिज़्ज़ा को अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। मैंने पिज़्ज़ा को अच्छे से डेकोरेट कर लिया, अब इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वेक्शन मोड पे इसको बेक कर लेंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। पिज़्ज़ा तैयार है। अब जब एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गई थी कि जब आप बेस फैलाइएगा तो उसमें थोड़े से फोक से बीच में कहीं कहीं पंक्चर कर दीजिएगा, तो नहीं भी कीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उससे ये होगा कि बीच बीच में आपके जूसेस जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग के वो चले जाएंगे और थोड़ा सा और टेस्टी बनेगा। तो आई होप ये पिज़्ज़ा आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।